नमस्ते भाई लोग, कल हुआ है ठानेश्री और आप सबने आज का व्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो संतोष शुक्ला पे यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। तो महादेव ने हमें इतनी ताकत दी कि हमने कल का टाइटल तो ले ही लिया। अभी कल है परेल श्री, वो भी तगड़ा खेलेंगे, मजबूत खेलेंगे। बोलो हर हर महादेव। हलाल के पहले नहीं कि हार वगैरह पीना थे बकरे को, शाम को पानी बंद होने वाला तो अभी नारियल पानी पी। धूप क्यों लेते हम? धूप क्यों लेते बताए? धूप इसलिए लेते हैं कि पीक वीक में धूप लेना चाहिए। जब तुम्हारा 5% आज के करीब करीब आ जाए तो ही धूप काम देती है। धूप से तुम्हारा स्किन होता है ब्राउन शाइनी, क्योंकि विटामिन D3 रिलीज होता है। वो कब रिलीज होता है? जब D3 के टैबलेट खाते हैं। विटामिन D3 जो होता है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, धूप लेने से वो एक्टिवेट होके बॉडी में फैलता है, जिससे बोन और स्किन अच्छे रहते हैं। D3 कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है बोन के अंदर और स्किन अच्छी करता है। और दूसरा कि जो सब क्लूटेनियस फैट रहता है, थोड़ा सा फैट और वाटर, सब क्लूटेनियस मतलब स्किन के नीचे वाला धूप, जो पीक वीक में हम धूप लेते हैं उससे वो फैट और वो वाटर जो थोड़ा बच जाता है वो निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेट कम करने के लिए वड़ा पाव खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे और धूप में सो जाओगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। ये सिर्फ आपको 6% 7% में रहोगे तो उससे थोड़ा सा नीचे लाने में मदद करता है। चलो हम चल दिए आप परेल श्री के लिए। ओला मंगाया, ओला में जा रहे क्योंकि स्ट्रिक्ट वाटर कंट्रोल किया है एकदम। बॉडी और अच्छे लगने वाली है उस दिन, ठानेश्री से भी ज़्यादा टाइट लाने की कोशिश करूँगा बॉडी। चलो सबसे पहला तो मैं आपको बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरे 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा नंबर से यूट्यूब के सामने। पर हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा है क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जब मैं बॉडी बिल्डिंग में आया था, पहली बार खेला था, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था, इसलिए मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक यहाँ तक खींच रहा है 10-15 साल तक। तो सेम गोज़ टू यूट्यूब, जब नॉर्मली चालू किया था ऐसे ही, पर लोगों का सपोर्ट और अप्रिसिएशन देख के अब और मोटिवेशन आ रहा है। और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे और अच्छी अच्छी बॉडी दिखाएंगे, खुद की चेंजेस लेंगे हर सब बॉडी में, वो भी घूमते फिरते सब ट्रायल सब करके। कभी वेज बॉडी बिल्डिंग करेंगे, कभी नॉनवेज करेंगे, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू। गर्मी इतनी है कि 75 हो ही जाएगा, वो जैकेट निकल गए। ये देखो, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन, किंग मास क्लास। चलो आप चल रहे वेइंग देने, अभी देखते हैं 75 कैटेगरी में आएगा क्या कॉम्पिटिशन। ये पिक्चर कल क्या रेट गिरता? सेम टू नमस्ते सर, एक नंबर देखो। थैंक यू यार, अच्छा तैयारी है, ये ऐसे आनी चाहिए, सब ट्रैक सूट में डालते हैं ना। थैंक यू। अब वो पसंद नहीं भाई, वाइफ नजर लगेगी नहीं, ये लगेगी। अरे स्टेज पे खड़े भाई, हमारे पैसे से करते बॉडी बनाते हैं। हां, दिखाने की चीज है तो दिखाना है, दिखाना ही चाहिए। इनको कोई रिकॉग्निशन की तो जरूरत नहीं है, वरना मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, मैंने दिखती नहीं है, जब टी शर्ट निकालो दिखती है। हम जिम छोटे हैं ना, बैक बड़ा है, तो मैंने कभी ऐसे कपड़े डाले नहीं। नहीं सर, 90s के वाले डालते भी नहीं थे, ओल्ड स्कूल वाले, वो सब छुपाने का, नजर लगेगी, नजर लगेगी, बॉडी खराब हो जाएगी। हाँ सर, ये फोटो बहुत अच्छा है आपका। देखो सर के बारे में एक वर्ड बोलना चाहूँगा, छोटे में ऐसा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर आम लोगों के लिए ये परेल परेल है, हम लोगों के लिए मनीष अडविल का सर मतलब परेल है। सर ड्रेसिंग एक नंबर। चलो सर, थाने से हो गया ना? हाँ, तो भी था 7 तारीख। अच्छा अच्छा, आज कौन सा कैटेगरी? 70 किलो। 70 किलो सर, परेल श्री कॉम्पिटिशन है,
ये IBBF का सबसे मतलब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंपटीशन और आगे जाकर इंडिया का भी सबसे बड़ा कंपटीशन होगा। क्या अरेंजमेंट है, ऐसा होना चाहिए हर कंपटीशन, मतलब एक अरेंजमेंट बोलते हैं ना सही कॉम्पिटिशन का, ऐसा लगता है कि इधर खेल रहे। वो परेल श्री, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ परेल श्री, पर आके लग रहा है ऐसा कि हाँ ये कॉम्पिटिशन। ये देखो ये है परेल श्री का स्टेज, ऐसा मिस्टर इंडिया में भी कभी कभार देखने मिलता है ये लेवल का स्टेज। ये बॉडी पावर एक्सपो जैसे इधर एग्जीबिशन भी लगे मशीन्स वगैरह के, जो अच्छे अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और ये हमारे स्टाइलिश मनीष सर के ढासू फोटो, और ये उनका ढासू प्राइज मनी, और ये उनका ढासू प्राइज मनी, ये दिया जा रहा है फीमेल एथलीट को बगमैन, और मेल एथलीट को दिया जा रहा है ये बुलेट, जो कि हर साल इनका एक ये ट्रेडमार्क बन गया बुलेट देना, वो बुलेट ही देते हैं सर। और फिजिक एथलीट को दे दिया जा रहा है आईफोन, ऐसा प्राइस कहीं देखी ना होगी। और ये मिला है मम्मी का बंदोबस्त बॉडी बना, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। बहुत ही बड़े सीनियर प्लेयर है, बहुत बड़े, मतलब कितने साल से कर रहे थे? ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। 25 मैं स्कूल में था जब से, मतलब देख रहा हूँ, तभी भी बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। कौन से ईयर से सर? 95 96 98 में मैंने वो सब जूनियर्स खेला था, उसके बाद मैं स्टार्टेड। समझ लो हम लोग इनको देख के बॉडी बिल्डिंग कर रहे, सोशल नेटवर्किंग पे सिर्फ हम लोग थोड़ा सा, ये भाई ये मास्टर लोग हैं सर, हम लोग इनके पास है सर, इनको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, इनको देख के हम लोग वर्कआउट्स करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी थी पर तो भी सर से स्टेज पे चढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया उनको, वोमिटिंग हो रहा था। टेक्टी मुंबई सबर्बन ट्रक नंबर 137 संतोष शुक्ला ठाणे रिबॉक विद थाई मसल चुके रिलैक्स साइड चेस्ट with calf muscle together flex body build ek tarah se pose karte hain, pose hold kar rahe hain, relax body build, turn your back for your relax body build, relax your next pose back lat spread together flex together flex धन्यवाद। Keep clapping, they need your support and your encouragement, please. These guys are the winners. They're...
आणि या गटातील गटविजेता ठरला अर्थात स्पर्ध नंबर 137 संतोष शुक्ला ठाणे. सर्व पाच क्रमांकाच्या विजेत्यांनी डॅकच्या काउंटरवर जाऊन आपल्या शूज कलेक्ट करायचे. धन्यवाद. मी सर्व विजेत्यांना आणि मान्यवरांना फोटोपोस्टसाठी स्वेच्छा मध्ये आमंत्रित करतो. उल्लासनगर के नरेश सर, इनका एज देखो सिर्फ नंबर से, ये असली एग्जांपल है एज इज जस्ट अ नंबर. सर एज क्या? 46. देखो सर मोस्ट मस्कुलर. सुपर सुपर 46. देखो जो एज में लोग लकड़ी लेके घूम रहे हैं वो एज में बॉडी बिल्डिंग चालू. ये हमारे एज इज जस्ट अ नंबर के दूसरे एग्जाम्पल. सर एज क्या? बहुत अच्छी बॉडी है सर की. ये आशुतोष शाह बॉडी देखो कितनी बड़ी है. इनका भी एज एक मिरेकल है. 26 एज के मेरे अंदर से 20 साल की उम्र से चालू किया. जिधर ये पहले खेलते थे उधर का ही टाइटल लिया पहला वाशी महापुर. ये साल कितने टाइटल है? 4. कम बैक किया है. मैंने ऐसा सुना इनके हाथ में रॉड भी है और उसमें भी ये टाइटल मार रहे हैं. ये हाथ में रॉड उसमें भी ये टाइटल मार रहे हैं. ये बहुत ही बड़ी बात है. 26 साल के और 40 साल के लोगों को टफ दे. बहुत अचीवमेंट है भाई. वीडियो लंबा हो जाएगा. सागर सर है. इनको भी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं. बहुत सीनियर प्लेयर है. हम लोग ये सब प्लेयर को देख के बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट से और आगे जाते हैं. इनके फुटस्टेप को फॉलो करते हैं. समझो ये भी 15-20 साल से ये भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और एक अच्छा खासा नाम है. इंडियन रॉनी कोलमैन बोलते हैं. हमारा एक वीडियो भी आएगा इनके साथ वर्कआउट का फ्यूचर. कर सर ये पावर लिफ्टर थे और आप बॉडी बिल्डर भी बन गए. पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में शिफ्ट किए. ये मुझे नहीं जानते अभी अभी जानने लगे रहेंगे. मैं इनको 10 साल पहले से जानते जब वे कोई जिम में थे. हमारे अक्षय कारबारी इनके देखो बॉडी देखो. जो उम्र में बच्चे पबजी खेल रहे हैं वो उम्र में देखो क्या कर रहे हैं. देखो 80 kg एक नंबर बोल. और आपको और प्लेयर से मिला था स्टेज पे और कर. हमारे अविनाश पाटिल कल्याण कोनगांव से. ये हमारे गांव वाले और इनकी बॉडी एक नंबर. आज इनका तुम सुनोगे तो आज इन्होंने हालत कर दी भाई. 6-7 kg कम कर दिए. 65 में खेलते थे 70 में खेले पहले 65. आज ये 60 kg लेके आए. इनकी हालत मैं ही जानता हूँ क्या थी. ये मतलब अधमरे हो गए थे और ये जिंदा हो गए. और इनके अधमरे होने के बाद मैं मर गया पर मैं तो अभी जिंदा हूँ. दोनों खेल रहे गोल्ड के लिए शायद. देखो इनकी बॉडी देखो एक पोज. हमारे भाई लोग हैं कल्याण के. कल्याण का नाम ऊपर लेके जाना. उनका दफ्तर सब ये करेगा. बहुत अच्छा भाई. ऐसे ही बड़ा बहुत मोटिवेशन होता है. आपको भी अच्छा लगता है भाई. सच में बोलता हूँ. चलो भाई अच्छी बात है. ये किया भाई मैंने सपने में नहीं सोचा था. कितनी बड़ी बात. और वो भी अच्छे लोग बोले भी आज भी तेरे को ना आज कितनी ये टॉप 5 में दिखा. टॉप 5 में दिखा. देखो चक्कर आ रही थी घर में देख रहा था. अच्छा बॉडी था. बहुत बहुत अच्छा भाई. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. आपको देखा अच्छा लगा. आपने इम्प्रूवमेंट भी किया. जो 2-3 कॉम्पिटिशन में देखा आपको 3 में 5 में आ रहे थे. आपने बोलते ना बोलते कि आपने कमबैक किया एक अच्छा अच्छी बॉडी डेवलप करके अभी गोल्ड अनेश्री अभी वायदा भी लग गया. ऐसे ही करते रहो भाई. बहुत
सपोर्ट है हमारा। ये भी हमारे कोंडगांव कल्याण के, ये सब फ्यूचर में कल्याण का नाम आगे लेके जाएंगे। हमारे दोस्त हैं दर्शन पाटिल, दर्शन पाटिल मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम लोग साथ में वर्कआउट भी किया करते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, बड़े अच्छे भाई भी हैं मिस्टर। ये दर्शन पाटिल फ्रॉम हमसा गांव कोंडगांव कल्याण। रिलैक्स काढू शकतो Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I'm like this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. Out of this shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Keep my way in a big put down. It ain't your place. Don't diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The losing fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to deep. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. आखिरकार स्टेज पे चढ़ गया जय भवानी जय शिवराय बोलते बोलते, शिवराय ने ताकत दी मुझे क्योंकि आज तो यार स्टेज तो जाने दो मैं बचूंगा क्या, ऐसा हो गया था मेरे को। तो वोमिट किया एक घंटे तक, मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो सब हो गया। एक घंटे बाद वोमिट होने के बाद वो सिर्फ आवाज़ ही नहीं कर रही थी क्योंकि पेट पूरा खाली हो गया, तो इधर पेट पे क्रैम्प आना चालू हो गया एब्डोमिनल में, वो क्रैम्प एक घंटे तक गए, मतलब हालत ख़राब थी। फिर मैंने डॉक्टर मुदस्सिर को फ़ोन किया, मेरे एकदम फेवरेट डॉक्टर है भाई, वो किधर से भी उठा के मेरे को बाहर निकालते, उनको सबसे पहले थैंक यू। डॉक्टर ने मुझे मतलब निकाला बाहर, और दूसरा भाई ने कलर लगाया एक नंबर वाला, और वाइफ भी फुल सपोर्ट पे थी, एब्डोमिनल की मालिश कर रही थी। ऐसा करते करते दो तीन घंटे बाद ठीक हुआ, स्टेज पे चढ़ा, पोज किया, आप देखोगे पोज कैसा कर रहा हूँ मैं। अब ओके हुआ जब टाइटल फाइट जब चालू हुआ, थोड़ा घुमा फिरा तब ओके हुआ। ये तो आज मैयत थी, आज तो स्टेज तो चढ़ना तो छोड़ो, गोल तो छोड़ो, मैं घर पे कैसा पहुँचूँ, एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, वो टेंशन हुआ। थैंक्स टू डॉक्टर मुदस्सिर, आपको सबसे बड़ा थैंक यू कि आपकी वजह से आज मैं स्टेज पे चढ़ा। और भाई ने कलर लगाया, वो जब कलर लगाता है तो गोल तो आता ही आता है, दो जगह कलर लगाया, दोनों जगह गोल्ड आ गया। आज का परेल श्री गोल्ड मेडल से संतुष्ट रहना पड़ेगा, अगले साल किसी को नाराज नहीं करूंगा, इससे बड़ा होने वाला कंपटीशन। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, शायद वो चाहते थे
जो बड़े वाले कंपटीशन में मैं टाइटल मारूं। जय भवानी जय शिवराय। आप मिलते हैं सीधा मिस्टर इंडिया में, क्योंकि उधर का सिलेक्शन हो गया है।